एसएससी ने पूछ रखे हैं पहले से। तो शुरू करते हैं। सिस्मिक सी वेव्स व्हिच अप्रोच कोस्ट एट ग्रेटर फोर्स आर नोन एज टाइड्स, सुनामी, करंट, साइक्लोन। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनामी। सुनामी को हम सिस्मिक सी वेव्स कहते हैं। इसके अलावा जो टाइड्स है वो क्या होता है? टाइड्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इसमें सी लेवल कभी अप कभी डाउन होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन मून और अर्थ के बीच काम करता है उसकी वजह से आते हैं टाइड्स। और टाइड्स को हम हिंदी में ज्वारभाटा कहते हैं। करंट, ये तो वाटर फ्लो है। साइक्लोन, साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कहते हैं। इसमें क्या होता है, विंड स्पाइरल वे में मूव करती है, और चूंकि विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 200 किलोमीटर तक की स्पीड या इसके आसपास की स्पीड होती है, और जिसकी वजह से इसके रास्ते में जो भी सामान आता है उसे ये उखाड़ती गिराती आगे बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मॉनसूनल, इक्वेटोरियल। सही आंसर ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू 75.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सही आंसर है ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। विच इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन। ऑप्शन है वेगा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ के सबसे नजदीक का स्टार है सन, जो कि है इससे 0.00005 लाइट ईयर्स की दूरी पे। इसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी जो है वो है 4.24 लाइट ईयर। इसके बाद अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी की दूरी है 4.3 लाइट ईयर। द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड स्क्रब जंगल, मैनग्रोव, डेसिडुअस फॉरेस्ट, टुंड्रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैनग्रोव। जो सुंदरबन फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट उस डेल्टा पे सिचुएटेड है जो डेल्टा बनाती है थ्री रिवर्स। कौन कौन सी रिवर? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ये तीनों रिवर जो डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल पे, वहां सिचुएटेड है ये फॉरेस्ट। और एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के हुगली से लेके, वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है वहां से लेके बालेश्वर रिवर जो कि बांग्लादेश में है वहां तक सिचुएटेड है ये फॉरेस्ट। और किस टाइप का है ये? मैनग्रोव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोनेशियन रीजन्स वाज अ विक्टिम ऑफ मैसिव अर्थक्वेक इन 2004? 2004 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें से कौन सा इंडोनेशियन रीजन सबसे ज्यादा इफेक्टेड था? ऑप्शन है ईरियन जाया, सुमात्रा, कालीबंगन, जावा। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमात्रा। Which one of the following states doesn't form part of Narmada River Basin? Options हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो नर्मदा रिवर बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये चारों स्टेट पार्ट है नर्मदा रिवर बेसिन का, जिसमें मध्य प्रदेश कवर करता है इस बेसिन का 82% एरिया, राजस्थान कवर करता है, गुजरात कवर करता है 12% एरिया, महाराष्ट्र कवर करता है 4% और छत्तीसगढ़ कवर करता है 2% एरिया। अगर हमसे पूछा जाए कि नर्मदा रिवर बेसिन का कौन कौन सा हिस्सा है, कौन कौन सा स्टेट इसके हिस्सा है, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। सॉइल इरोजन ऑन हिल स्लोप्स कैन बी चेक्ड बाय एफोरेस्टेशन, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंट्रोल प्लॉइंग। सॉइल इरोजन चेक कर सकते हैं हम हिल स्लोप पे टेरेस कल्टीवेशन के द्वारा। टेरेस कल्टीवेशन मतलब उस तरह की खेती जिसमें हम हिल्स को स्लोप में बांट देते हैं, सीढ़ियों में बांट देते हैं और तब उस पर खेती करते हैं। इस तरह की खेती को, कल्टीवेशन को हम टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। हु क्वाइंड द वर्ड जियोग्राफी? जियोग्राफी किसने दिया, शब्द किसने क्वाइन किया था? टोलेमी, इराटोस्थनीज, हेकाटोस, हेरोडोटस। सही आंसर ऑप्शन बी, इराटोस्थनीज। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज। सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वो माउंटेन रेंज है जो कि टच करता है कुछ स्टेट्स को, जिसमें है केरल, तमिलनाडु,
कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, और गुजरात। तो जो वेस्टर्न घाट्स है वो किस किस स्टेट को टच करते हैं? केरल को, तमिलनाडु को, कर्नाटक को, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात को। वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया है, और ये जो दुनिया के 8 हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के, उनमें से एक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में 8 हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है, जिसमें से एक है वेस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट को द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया। द एज ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाई जियोलॉजिकल टाइम स्केल, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ग्रेविटी मेथड, फॉसिलाइजेशन मेथड। सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, कार्बन 14, इसका यूज करते हैं किसी भी फॉसिल को डेट करने के लिए, उसकी डेटिंग के लिए, उसका एज पता लगाने के लिए, और इस मेथड को हम कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग। हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सर्फेस इज डेजर्ट? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का 71% जो एरिया है वो ओशन है। इसके बाद जो बचा 29% एरिया है वो लैंड के फॉर्म में है। अब इस लैंड में से जो डेजर्ट है वो कितना परसेंट है, जो डेजर्ट है वो कितना एरिया कवर करता है इस लैंड का? 1/10, 1/5, 1/3, 1/6। सही आंसर ऑप्शन सी, 1/3। 33, ये जो लैंड है इसका 33% एरिया कवर करता है डेजर्ट। रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिंदू कुश रेंज, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज। सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश रेंज। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर। जो एटमोस्फेयर है उसका सबसे नीचे का लेयर कौन सा है? तो देखते हैं इसके सारे लेयर्स को, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे का जो लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का जो लेयर है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर का जो पार्ट लेयर होता है उसे मेसो, मेसोस्फेयर से ऊपर होता है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के ऊपर आयोनो, और सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे का जो लेयर है एटमोस्फेयर का उसे हम ट्रॉपोस्फेयर कहते हैं। द कोंकण रेलवे कनेक्ट गोवा मैंगलोर, रोहा मैंगलोर, कन्याकुमारी मैंगलोर, कन्याकुमारी मुंबई। सही आंसर ऑप्शन बी, रोहा मैंगलोर। बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट, सिनेमन, क्लोव, नीम, पाम। ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन ए, सही आंसर है ऑप्शन ए, सिनेमन। यानी सिनेमन जो होता है वो एक पेड़ का छाल होता है, बार्क होता है, और ये मसालों की तरह यूज करते हैं हम। द एटमोस्फेरिक एयर इज हेल्प टू द अर्थ बाई ग्रेविटी, विंड्स, क्लाउड्स, रोटेशन ऑफ अर्थ। सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेविटी। द कॉमन ट्री स्पीसीज इन नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ट्री वो कौन सा है? साल, पाइन, यूकलिप्टस, टीक। सही आंसर है ऑप्शन सी, यूकलिप्टस। इसे हम हिंदी में, इस पेड़ को हम हिंदी में नीलगिरी कहते हैं। इससे पता चलता है ये नीलगिरी हिल्स में ज्यादातर पाया जाता है। विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया? सरहिंद कैनल, यमुना कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, ईस्ट कोसी कैनल। सही आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी कैनल। लोकतक इज अ वैली, लेक, रिवर, फाउंटेन रेंज। लोकतक क्या है? लोकतक एक झील है, लेक है, जो कि मणिपुर में है।
इसे हम फ्लोटिंग लेक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एकमात्र ऐसा लेक जिसे हम फ्लोटिंग लेक कहते हैं, वो मणिपुर में है। विच सिटी रिसीव्स द हाईएस्ट कॉस्मिक रेडिएशन अमंग्स द फॉलोइंग? ऑप्शंस है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। कॉस्मिक रेडिएशन का क्या मतलब है? कॉस्मिक रेडिएशन उस रेडिएशन को कहते हैं कि सोलर सिस्टम के बाहर से जो रेडिएशन सीधे अर्थ पे आती है। द एच वाई वी प्रोग्राम इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन। सही आंसर है ऑप्शन बी न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। अ सीरीज ऑफ लाइन्स कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग अ क्वैक एट द सेम टाइम आर कॉल्ड होमोसेस्मल लाइन्स, सिस्मल लाइन्स, कोसेस्मल लाइन्स, आइसोसेस्मल लाइन्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए होमोसेस्मल लाइन्स। होमोसेस्मल लाइन्स क्या होती है? वो लाइन्स उन जगहों को कनेक्ट करती है जहां एक ही समय में क्वैक आते हैं या फिर अर्थक्वैक की संभावना होती है। वट शुड बी द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन मैनग्रोव फॉरेस्ट? दे विल ग्रो मोर लग्जरियस, लार्ज एरिया ऑफ मैनग्रोव्स विल बी सबमर्ज्ड, देयर रोल एज कार्बन सिंक्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी अबव। मैनग्रोव्स पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब ये कि वो बहुत ही रैपिडली बढ़ेंगे और इसके अलावा वो कार्बन सिंक की तरह जो काम करते हैं ये रोल उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कैसे ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि हम जानते हैं इसका मतलब होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ के सर्फेस का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही क्या होता है कि जो मैनग्रोव्स होते हैं वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करने लग जाते हैं। और मैनग्रोव्स का ये फीचर है कि वो जो एटमोस्फेयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो कोई भी फॉरेस्ट, ओशन या कोई भी नेचुरल एंटिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है उसे हम कार्बन सिंक कहते हैं। तो जब कार्बन सिंक जब मैनग्रोव्स बढ़ेंगे रैपिडली तो जाहिर है कि उनका जो रोल है कार्बन सिंक की तरह वो भी बढ़ जाएगा। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, मार्स। सही आंसर है ऑप्शन ए वीनस। वीनस बहुत ही ब्राइट दिखता है क्योंकि उसके सरफेस पे सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स होते हैं या फिर हम यू कहें कि एसिड क्रिस्टल्स होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही शाइनी दिखता है, ब्राइट दिखता है। वीट, बार्ले, लेमन, ऑरेंज, राय एंड पर्ल मिलेट बिलोंग टू द सेम प्लैनेट, द सेम प्लांट फैमिली, टू प्लांट फैमिलीज, थ्री प्लांट फैमिलीज, फोर प्लांट फैमिलीज। सही आंसर है ऑप्शन टू, टू प्लांट फैमिलीज, वीट, बार्ले, रे और पर्ल मिलेट। ये चारों बिलोंग करते हैं ग्रामिनियाई फैमिली से, ये चारों बिलोंग करते हैं ग्रामिनियाई फैमिली से। इसके अलावा ऑरेंज और लेमन जो है वो सिट्रस फ्रूट है। अ प्लांट नोन ओनली इन कल्टिवेशन हैविंग अराइजन अंडर डोमेस्टिकेशन इज रेफर्ड टू एज स्कियन, कल्टीजन, कल्टीवेयर, क्लोन। सही आंसर है ऑप्शन बी कल्टीजन। कल्टीजन ऐसे प्लांट को कहते हैं जो मैनमेड होते हैं, जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है और इनको हम एंथ्रोपोजेनिक प्लांट भी कहते हैं। इनका यूज हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री इन जगहों पे होता है। अर्थ इज अ वेरी बिग मैग्नेट, इन विच डायरेक्शन डज इट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड? वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट। सही आंसर है ऑप्शन सी साउथ टू नॉर्थ। द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। सही आंसर है ऑप्शन बी जुपिटर। पेनिनसुलर इंडिया हैज द फॉलोइंग जोनल सॉइल टाइप्स? रेड एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सलाइन सॉइल, एलुवियल सॉइल। सही आंसर ऑप्शन ए रेड एंड येलो सॉइल। द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, दो नदियों के बीच का जो जमीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है नेचुरल लेवेस, एलुवियल कोन्स, ब्रेडेड स्ट्रीम, दोआब। सही आंसर ऑप्शन डी, उसे हम दोआब कहते हैं। विच ईयर इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिवाइड?
किस ईयर को हम ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं? 1921 को हम कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन कर रही थी, मतलब इंडिया के पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हुआ 1921 से, तो इसीलिए हम कहते हैं 1921 को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। विच कंट्री हैज अ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? इंडिया, कैनेडा, स्वीडन, ग्रीनलैंड। सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। द आयरन एंड स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ इज एट बर्नपुर, सालीम, भिलाई, बोकारो। सही आंसर ऑप्शन सी, भिलाई। द लीडिंग सीसम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड इज मैक्सिको, यूएसए, चाइना, इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। सबसे ज्यादा इंडिया प्रोड्यूस करता है, फिर चाइना, फिर नाइजीरिया और चौथे नंबर पे है म्यांमार। Which one of the following is not correctly matched? Darjeeling, West Bengal, Mount Abu, Rajasthan, Kodaikanal, Tamil Nadu, Shimla, Uttar Pradesh. ये तीनों सही है, चौथा ऑप्शन डी गलत है। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है, बाकी सब सही है। द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन जनवरी 30, दिसंबर 22, सितंबर 22, जुलाई 4। सही आंसर ऑप्शन डी, जुलाई 4, यानी कि 4 जुलाई को अर्थ अपने मैक्सिमम दूरी पे रहता है सन से। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रिब्यूटरी रिवर है इधर और इधर मेन रिवर। चंबल, यमुना, सोन, नर्मदा, मानस, ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3 ऑनली। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, यानी कि चंबल ट्रिब्यूटरी रिवर है यमुना की, सोन ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की और मानस ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। The total population divided by available arable land area is referred to as population density, nutritional density, agricultural density, industrial density. सही आंसर है population density. Density, population density क्या होता है? तो total population by area. The eastward continuation of Brazil current is called North Atlantic Drift, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, काउंटर इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, वेस्ट अटलांटिक ड्रिफ्ट। सही आंसर है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। आइस ग्लेशियर मेल्टिंग इज अ कॉमन फेनोमेनन लिंक्ड टू द राइज ऑफ सी वाटर लेवल। द ग्लेशियर्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, हिमालयस, आर्कटिक। सही आंसर है अंटार्कटिका, और यहाँ पेंगुइन्स बहुत पाए जाते हैं। Which hill station is called as the queen of Satpuras? Panchmadi, Nilgiri, Mahendragiri, Cardamom. The answer is Panchmadi. Ab Satpura kya? Satpura hai mountain range. Satpura mountain range hai, jo ki phaila hai Gujarat se leke, ye Gujarat se shuru hota hai, aur uske baad Maharashtra ke baad Madhya Pradesh, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ तक। फोर स्टेट से होके गुजरता है ये माउंटेन रेंज, और यहां बहुत सारे हिल स्टेशन है, उसमें से पंचमढ़ी को हम कहते हैं क्वीन ऑफ सतपुराज। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता वाया मथुरा एंड वाराणसी? ऑप्शंस है नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 6। सही आंसर है NH2। NH2 को हम दिल्ली कोलकाता रोड कहते हैं, और ये कौन कौन से स्टेट से होके जाता है? ये होता है दिल्ली से शुरू, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सिक्स स्टेट से होकर गुजरती है ये एनएच. द कंट्री वेयर ड्रिप इरिगेशन इज मोर इफिशियंटली यूज्ड इज इंडिया, इजराइल, श्रीलंका, इंग्लैंड. सही आंसर ऑप्शन बी इजराइल. इजराइल में ड्रिप इरिगेशन का बहुत ही यूज होता है. ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन का एक टाइप है जिसमें खेतों से पाइप्स को फ्लो करवा खेतों से पाइप्स जाती है और पाइप्स में होल्स होते हैं और वो होल्स हर एक प्लांट के रूट के पास होता है जहां से ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर रूट्स के पास जाता है. माइक्रो इरिगेशन मतलब इसमें पानी कम खर्च होता है. माइक्रो इरिगेशन के और भी टाइप है, जैसे माइक्रो इरिगेशन का एक तो टाइप हो गया ड्रिप जिसमें हमने देखा कि ड्रॉप्स जो सीधे रूट्स में जाते हैं, और एक होता है स्प्रिंकलर. इसमें स्प्रिंकल होता है, जो वाटर होता है वो खेतों में स्प्रिंकल होता है. इसकी शुरुआत भी इसराइल में ही हुई थी. विच रिवर इन इंडिया फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती. तो इसका सही आंसर है नर्मदा और ताप्ती. ये दोनों रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं. रिफ्ट वैली क्या होता है? जो लैंड मासेज होते हैं, माउंटेन्स वगैरह होते हैं, अगर उनमें क्रैक आता है, बीच में क्रैक आ जाता है और वो जो वहां का लैंड होता है वो नीचे चला जाता है, उसका लेवल काफी नीचे हो जाता है, तो ऐसे वैली को हम कहते हैं रिफ्ट वैली. और इंडिया में इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती के अलावा भी दो रिवर है जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो करती है. वो कौन सी है? एक है दामोदर और एक है माही. यानी कि नर्मदा, ताप्ती, दामोदर और माही, ये टोटल चार रिवर्स है जो कि फ्लो करती है रिफ्ट वैली में. अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस इज कॉल्ड केप, इस्थमस, स्ट्रेट, पेनिनसुला. सही आंसर है इस्थमस. इस्थमस कहते हैं जब वो दो लैंड मासेस को, लार्जर लैंड मासेस को कनेक्ट करता है. और इसके अलावा स्ट्रेट कहते हैं जब दो रिवर को जोड़ता है स्ट्रेट. मैप्स ऑन लार्ज स्केल रिप्रेजेंटिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स, एटलस मैप्स, वॉल मैप्स, टोपोग्राफिक मैप. सही आंसर है ऑप्शन डी टोपोग्राफिक मैप. इसपे हम दोनों चीज को देख सकते हैं, जो नेचुरल है और जो मैन मेड फीचर है, दोनों को देख सकते हैं. द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, लैटिट्यूड, एजिमथ, डिप. सही आंसर है डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं. The irrigation project is categorized as a major project if it covers a cultivable command area of less than 2000 hectares, 2000 to 10,000 hectares, above 10,000 hectares, all of the above. The answer option C, above 10,000 hectares. 10,000 hectares के ऊपर का जब land consider करेंगे हम किसी irrigation project में, तो उसे हम major project कहते हैं. The program of Operation Flood was concentrated on increasing irrigation facilities, flood control, increasing the milk production, increase the flood grains production. सही आंसर है increasing the milk production. जो Operation Flood है ये शुरू किया गया था National Dairy Development Product Board, National Dairy Development Board द्वारा, NDDB द्वारा 1917. और ये जो ऑपरेशन फ्लड था इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन का भी नाम दिया गया. इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना था. अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ, कोरियोलिस फोर्स, विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन towards left in northern hemisphere and towards right in southern hemisphere, towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere, towards right in both, towards left in both. The answer option B, towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere. Which one of the following atmospheric layers absorb ultraviolet rays of sun? ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर. सही आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर. जो हम यहाँ बात एटमोस्फेरिक लेयर की कर रहे हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर एटमोस्फेरिक लेयर है, लेकिन अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर. द ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्ड ऑन फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक इज टर्म्ड एज ट्रेलिस, डेंट्रिटिक, रेडियल, डीरेंज्ड.
सही आंसर है डेंट्रिटी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज. दुरंत लाइन, मैकमहोन लाइन, प्लिम्सोल लाइन, मैजिनो लाइन. सही आंसर है ऑप्शन सी प्लिम्सोल लाइन. वाटर पोटेंशियल रिमेन्स लोएस्ट इन वाटर प्लांट्स, वुडी प्लांट्स, सक्यूलेंट्स, हेलोफाइट्स. सही आंसर है ऑप्शन डी हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो सलाइन वाटर में मोस्टली होते हैं और इसका एग्जाम्पल है मैनग्रोव स्वैम्प्स, मार्शेस, इटीसी. द फ्री लिविंग बैक्टीरियम इन द सॉइल विच इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ राइस इज राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एंड अबेना. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एजोटोबैक्टर. एजोटोबैक्टर क्या होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जिसका यूज बायो फर्टिलाइजर के तौर पे खेतों में किया जाता है. राइजोबियम ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का ही काम करता है और जो प्लांट्स लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उसके नोड्यूल्स में पाए जाते हैं ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका काम भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही है. एसिटोबैक्टर ये इथेनॉल को एसिटिक एसिड में बदलता है और इसका यूज ज्यादातर विनेगर बनाने वाले इंडस्ट्रीज में होता है. एनाबेना ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही काम करता है लेकिन जो राइस के लिए यूज होता है वो कौन सा है? वो है एजोटोबैक्टर. फ्रंटल साइक्लोन्स अकर कैरेक्टरिस्टिकली इन इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, मिड लैटिट्यूडिनल रीजन, पोलर रीजन. सही आंसर है ऑप्शन सी मिड लैटिट्यूडिनल रीजन. योसेमाइट इज अ रिवर, पीक, वाटरफॉल, डैम. सही आंसर ऑप्शन सी वाटरफॉल. योसेमाइट एक वाटरफॉल है जो कि है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएस में. और बेसिकली ये सिचुएटेड कहाँ है? ये सिचुएटेड है योसेमाइट नेशनल पार्क में. नेशनल पार्क का भी नाम है योसेमाइट. वेयर इज द शोर बेस्ड स्टील प्लांट लोकेटेड? तिकोरिन, सलेम, विशाखापट्टनम, बेंगलोर. सही आंसर ऑप्शन सी विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम में है ये शोर बेस्ड स्टील प्लांट. विशाखापट्टनम कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में. और ये जो स्टील प्लांट है इसे अलग किया गया था अप्रैल 1982 में. किससे अलग किया गया था? सेल और RINL से. सेल स्टैंड फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और RINL स्टैंड फॉर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड. इसके अलावा जो ये तुतिकोरिन जगह है ये है तमिलनाडु में. सालेम ये भी तमिलनाडु में. बेंगलोर कर्नाटक में. और ये सारी जगह जो है वो स्टील प्लांट के लिए ही फेमस है. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर? श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, मुंबई एंड चेन्नई, अमृतसर एंड कोलकाता, हैदराबाद एंड भोपाल. सही आंसर ऑप्शन ए श्रीनगर एंड कन्याकुमारी. Which of the following statements is correct? Mahadeo Hills are in the west of Maikala Hills. Mahadeo Hills are the part of Karnataka Plateau. Mahadeo Hills are in the east of Chota Nagpur Plateau. Mahadeo Hills are the part of Aravalli Ranges. Sahi answer hai Mahadeo Hills are in the west of Maikala Hills. Maikala Hills kahan hai? Ye Chhattisgarh mein hai. Which one of the following pairs is not correctly matched? हिविया ट्री ब्राजील, सुमात्रा स्टॉर्म मलेशिया, काजन रिवर बोर्नियो, डेके टोबा फिश ब्राजील. इसका सही आंसर है डी. ये टोबा फिश जो है वो ब्राजील का नहीं इंडोनेशिया का फेमस है और इंडोनेशिया में टोबा नाम से एक लेक है, एक लेक भी है और एक सुपर वोल्केनो भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल? यूरेनियम, कोल, टिम्बर, नेचुरल गैस. सही आंसर है सी टिम्बर. सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंक्रीजिंग बर्ड पॉपुलेशन, एफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, ओवरग्रेजिंग. सही आंसर है एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट लगाना, फिर से प्लांट्स ग्रो करना. तो प्लांट्स ग्रो करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन, डस्ट स्टॉर्म, स्मोक फ्रॉम बर्निंग ड्राई लीव्स. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डस्ट स्टॉर्म.
The graded profile of a river course is a smooth curve in upper course, a smooth curve in middle course, smooth curve in lower course, a smooth curve from source to mouth. The answer option D, smooth curve from source to mouth. Sinkhole is a phenomena of dash topography. Desert, tundra, karst, plain. इसका सही आंसर है सी कास्ट. कास्ट क्या होता है इस टोपोग्राफी, मतलब इसमें होता ये है कि जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों को हम कहते हैं सिंक होल, और वो बना होता है डिसोल्यूशन से. किसके डिसोल्यूशन से? लाइम स्टोन, डोलोनाइट और जिप्सम के डिसोल्यूशन से. केरला इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कोकोनट, ब्लैक पेपर, रबर, राइस. यहाँ चार ऑप्शंस है, हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस सही हैं जिनके लिए केरल फेमस है. ऑप्शंस 1, 2, 4 के लिए, 2, 3, 4 के लिए, 1, 4 के लिए या फिर 1, 2, 3 के लिए. सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3. यानी कि केरल फेमस है कोकोनट, ब्लैक पेपर, रबर, इसके अलावा टी, कॉफी, कैश्यू और डिफरेंट स्पाइसेस के लिए भी फेमस है केरल. जो केरला है उसे हम लैंड ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, लैंड ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, साथ ही साथ इसे हम कहते हैं स्पाइस बाउल ऑफ इंडिया, मसालों की टोकरी. द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कैनेडियन नेशनल रेलवे, ट्रांस एटलांटिक रेलवे. सही आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे. और इसकी जो लंबाई है वो है 9,289 किलोमीटर और ये फैला है मॉस्को से लेके व्लादिवोस्तोक तक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट हेल्प्स रेजिंग वाटर टेबल, इट हेल्प्स मीट राइजिंग वाटर डिमांड, इट इंक्रीजेज रन ऑफ लॉसेज, इट इज अ डिवाइस ऑफ वाटर कंजर्वेशन. कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन सी, इट इंक्रीजेज रन ऑफ लॉसेज. जो रन ऑफ लॉसेस है इसे ये घटाता है ना कि बढ़ाता है. इसके अलावा ये वाटर टेबल को रेज करने में मदद करता है, वाटर डिमांड को पूरा करने में मदद करता है और वाटर कंजर्वेशन के लिए एक डिवाइस की तरह काम करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डजंट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी. महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा. सही आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र तिब्बत में ओरिजिनेट करती है और जहां से ये ओरिजिनेट करती है वहां इसे यारलंग रिवर के नाम से जानते हैं. बाकी सारे रिवर्स के बारे में भी जानते हैं. महानदी ओरिजिनेट करती है सिहावा माउंटेन से और ये जो सिहावा रेंजेस हैं वो कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में. सतलज ये ओरिजिनेट करती है माउंट कैलाश. और गंगा ये ओरिजिनेट करती है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि है उत्तराखंड में. विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया. टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प, थर्मल पावर. सही आंसर ऑप्शन डी. यानी कि थर्मल पावर वाली जो इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम करती है इंडिया में. Choose the correct option which represent the arrangement of atmospheric layers. Option A, troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere. इसके बाद option B, meso, ino, exo, tropo, strato. Option C, ino, exo, meso, tropo, strato. Option D, exo, tropo, ino, meso, strato. सही आंसर ऑप्शन ए. सबसे पहला जो अर्थ है, अर्थ के जो सबसे नजदीक का लेयर है उसका नाम है ट्रोपो
ट्रॉपो के जस्ट ऊपर स्ट्रेटो, स्ट्रेटो से ऊपर मेसो, मेसो के ऊपर आयनो और सबसे ऊपर वाले को एक्सो, एक्सो के बाद खुला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म हीट बजट? ऑप्शन ए, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच द सर्फेस ऑफ अर्थ रिसीव्स फ्रॉम सन, इट इज द रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, इट इज द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। बजट, जैसा कि नाम बजट दिया जा रहा है तो ऑप्शन डी सही है, इट इज द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर क्लोज टू अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड, अब बताना है कि अर्थ के सबसे नजदीक वाले लेयर को क्या कहते हैं, उस एटमोस्फेयरिक लेयर का क्या नाम है। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म? सुगर केन, सुगर बीट, राइस, वीट। सही आंसर है सुगर केन। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म का मतलब कि ये जो प्लांट है सुगर केन, ये शो करता है दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट को। कौन कौन से क्लोरोप्लास्ट? एक मेसोफिल, जिसे डिनोट करते हैं MC, और एक बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ क्लोरो प्लास्ट, और इसे डिनोट करते हैं BSC से। जो प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं C4 प्लांट्स। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये जो फोटोसाइंथेसिस करते हैं वो फोटोसिंथेसिस अलग टाइप का होता है, उसे कार्बन फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि उसमें C4 मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं ये फोटोसिंथेसिस के दौरान। और इसके अलावा जो हमने अभी देखा सुगर केन, इसके अलावा और कौन कौन से प्लांट है जिन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं? इसके अलावा मेज, मिलेट्स, इनको भी हम कहते हैं C4 प्लांट्स। डे एंड नाइट आर इक्वल एट, दिन और रात बराबर होते हैं कहाँ? प्राइम मेरिडियन, पोल्स, इक्वेटर, एंटार्क्टिक। सही आंसर है ऑप्शन सी इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर की जो दूरी है वो सन के रिस्पेक्ट में हमेशा फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, और इसी वजह से वहां डे और नाइट इक्वल होते हैं। ग्रीन टाइप फॉरेस्ट आर फाउंड इन मेडिटेरियन रीजन, मॉनसून क्लाइमेट एरिया, डेजर्ट रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। सही आंसर है मॉनसून क्लाइमेट एरिया। जो एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये अर्थ का मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायोम है। इसमें जो ट्रीज आते हैं वो यूकलिप्टस, ओक इत्यादि होते हैं। द एश ग्रे सॉइल्स ऑफ हाई लैटिट्यूड कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर नोन एज ग्रे ब्राउन सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, टुंड्रा सॉइल्स, पॉड सोल्स। सही आंसर है ऑप्शन डी पॉड सोल्स। तो पॉड सोल्स वो एश ग्रे सॉइल है जो कि हाई लैटिट्यूड पे पाया जाता है। हाई लैटिट्यूड पे क्लाइमेट कैसा होता है? यहाँ पे लॉन्ग कोल्ड विंटर्स होते हैं, शॉर्ट समर होता है, और मॉडरेट प्रेसिपिटेशन होता है। अगर पॉडसोल सॉइल की बात करें तो ये सॉइल जो है वो एसिडिक होता है और इनफर्टाइल होता है। इसका यूज डेयरी और मिक्स्ड फार्मिंग में किया जाता है। इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पोल्स, इक्वेटर। सही आंसर ऑप्शन डी इक्वेटर। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? इक्विनॉक्स मतलब कि जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ये होता कब है? जब सन एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है, और ये ईयर में दो बार होता है। कब कब होता है? ये होता है एक बार 20 मार्च को, और दूसरा ये होता है 22 सितंबर को। अमंग द वर्ल्ड ओशंस विच ओशन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ? अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। सही आंसर ऑप्शन बी आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन में जो दो साइबेरियन शेल्फ है ये सबसे
बड़ा वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये स्ट्रेच है 1500 किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक स्ट्रेच है. विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? ऑप्शंस है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी. सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी. गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं और इसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर. रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन्स? ईस्टर्न रीजन ओनली, साउदर्न रीजन ओनली, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू? नन ऑफ दीज. सही आंसर ऑप्शन सी, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. रेड सॉइल की हम बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेट्स देखें कि कौन कौन से स्टेट में रेड सॉइल मोस्टली पाया जाता है, तो तमिलनाडु, साउदर्न कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है. लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच कंट्री? ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स. सही आंसर ऑप्शन सी, सीमेंट इंडस्ट्रीज यूज करती है लाइमस्टोन को एज अ रॉ मटेरियल. माउंट आबू इज अ हिल स्टेशन सिचुएटेड इन डैश रेंजेस, विंध्या, सतपुरा, अरावली, शायद्री. सही आंसर है ऑप्शन सी अरावली. अरावली रेंजेस में है माउंट आबू. एग्जैक्ट लोकेशन इस हिल स्टेशन की अगर हम पूछे तो वो है सिरोही डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान. सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है ये माउंट आबू हिल स्टेशन. और जो अरावली रेंजेस है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फैला है, दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक. कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरा है ये रेंज? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात. द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, भीमा. सही आंसर है कावेरी, ऑप्शन बी. व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस? ऑप्शंस है व्हेन द सन इज बिटवीन मून एंड अर्थ, व्हेन द अर्थ इज बिटवीन मून एंड सन, व्हेन द मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, व्हेन द मून डजंट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड अर्थ. सही आंसर ऑप्शन सी, When the moon is between sun and earth. कैसे होता है सोलर इक्लिप्स? एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको. होता यह है कि ये है सन और ये मून, उसके सामने ये अर्थ. सन, मून, अर्थ. जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये मून, इसका शेडो बन रहा है अर्थ पे, तो जिस एरिया में यहाँ शेडो बन रहा है, शेडो वाले एरिया के जो लोग हैं वो सन को नहीं देख पाते, या तो पार्शियली देख पाते हैं या फिर नहीं देख पाते. तो ये जो डार्कर शेडो बन रहा है इस एरिया को कहते हैं हम उम्ब्रा, और जो लाइटर शेडो बन रहा है इसे कहते हैं हम पेनुम्ब्रा. तो होता यह है कि मून का शेडो कास्ट होता है अर्थ पे और अर्थ के उस शेडो वाले एरिया के लोग सन को नहीं देख पाते, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स. स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? रेड सी मेडिटेरियन सी, रेड सी अरेबियन सी, अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी. सही आंसर ऑप्शन सी, अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी. The largest solar power plant in India is located at Nagercoil, Jaisalmer, Madhapur, Run of Kutch. सही आंसर है. ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब का आंसर मधापुर है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट भारत का है वो है भाडला में, भाडला, राजस्थान.
ऑन विच रिवर इज द तेहरी डैम बिल्ट? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, हुगली? सही आंसर ऑप्शन बी भागीरथी. एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है तेहरी डैम की? तो उत्तराखंड इंडिया, उत्तराखंड में सिचुएटेड है ये डैम. विथ विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? किस देश के साथ भारत इंटरनेशनल बाउंड्री, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश? सही आंसर है बांग्लादेश. बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री है? 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ. इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें तो इसके साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर. इसके अलावा इंडिया कौन कौन से देशों के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है? तो इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल के साथ. विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल? सही आंसर है गुजरात. और कोस्ट लाइन जो है वो कितने किलोमीटर की है? वो है 1600 किलोमीटर की. जॉग फॉल्स इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर विच रिवर? कावेरी, गोदावरी, शरावती, कृष्णा? सही आंसर है शरावती. जॉग फॉल्स शरावती नदी पे है. अगर हम हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया की बात करें, हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो वो है वाजराई फॉल्स. वाजराई फॉल्स जो कि सिचुएटेड है कौन से नदी पे? उर्मोदी नदी पे. रिवर का नाम है उर्मोदी और लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र. Which one of the following areas of India is covered by tropical evergreen forest? Semi-arid areas of Gujarat, Eastern Ghats, Western Ghats, Madhya Pradesh? Say answer option C, Western Ghats. Which of the following state is surrounded by Bangladesh from three sides? Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, Tripura? Say answer option D, Tripura. Earth received heat from the sun is known as insolation, infrared heat, सोलर रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन? सही आंसर है इंसोलेशन. स्पॉट द ऑड आइटम इन द फॉलोइंग: रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, डेड सी? सही आंसर ऑप्शन ए रेड सी. इसके अलावा ये तीनों सी लैंड लॉक्ड सी हैं, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं. किसे छोड़कर? रेड सी को छोड़कर. मैच करेक्टली द फॉलोइंग डेजर्ट्स एंड देयर लोकेशन बाई चूजिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स. एक तरफ डेजर्ट है और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन. कालाहारी, अटाकामा, थार, ग्रेट विक्टोरिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया? मैच करना है कि कौन सा डेजर्ट कहाँ है. तो कालाहारी अफ्रीका में है, अटाकामा साउथ अमेरिका में है, थार एशिया में है और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है. तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है. द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा? सही आंसर है गोदावरी. आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है. द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन? सही आंसर है ऑप्शन ए फोल्ड माउंटेन. तो हिमालयन माउंटेन रेंज में थ्री फोल्ड्स हैं. कौन कौन से थ्री फोल्ड्स हैं? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करेंट? गल्फ स्ट्रीम, कुरेल, कैनरी, लैब्राडोर?
सही आंसर है ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ये फ्लो करता है नॉर्थ अमेरिका से लेके वेस्टर्न यूरोप तक। द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अवॉइड सॉइल इरोजन, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, अवॉइड फ्लड्स, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। सही आंसर है रिचार्ज ग्राउंड वाटर। द सॉइल्स विच आर रिच इन कैल्सियम आर नोन एज पेडोकल्स, पेडाल्फर, पॉडजोल्स, लेटराइट। सही आंसर है पेडाकोल्स। पेडाकोल्स जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, मेन इसका कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट है। पेडाल्फर जो है वो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड से है बना हुआ, आयरन और एल्यूमिनियम। इसके अलावा पॉडजोल्स ये क्वार्ट रिच सैंड और सैंड स्टोन से बने होते हैं। लेटराइट्स रस्टी रेड सॉइल है जो कि हॉट और वेट ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है और इसका मेन कंपोनेंट क्या है आयरन और एल्यूमिनियम। कल्टिवेबल लैंड इज डिफाइंड एज लैंड एक्चुअली अंडर क्रॉप्स, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड प्लस फैलो लैंड, ओल्ड फैलो लैंड प्लस करंट फैलो लैंड, टोटल फैलो लैंड प्लस नेट सॉन एरिया। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो जगह खाली है, जो लैंड खाली है प्लस जहां अभी क्रॉप्स लगे हैं, दोनों के सम को कहते हैं हम कल्टिवेबल लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार। सही आंसर ऑप्शन डी गल्फ ऑफ मन्नार। इसकी एरिया गल्फ ऑफ मन्नार का एरिया कितना है, इसका एरिया है 10,500 स्क्वायर किलोमीटर। ये तमिलनाडु में है और ये फैला है वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका से लेके साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया तक। नीलगिरी साउथ इंडिया में है, नंदा देवी उत्तराखंड में और सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विथ व्हाट बायो रीजन द टर्म स्टेप एसोसिएटेड, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सवाना, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। सही आंसर ऑप्शन ए स्टेप ग्रासलैंड है जो कि 8,000 किलोमीटर तक फैला है और वेस्ट में हंगरी से लेके ईस्ट में यूक्रेन तक फैला है। ये यहाँ इन्वायरमेंट टेम्परेट होता है, टेम्परेट इन्वायरमेंट का होता है ये ग्रासलैंड और ये लोकेटेड होता है मोस्टली टेम्परेट फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में। अबाउट हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 2%, 7%, 10%, 15%। सही आंसर ऑप्शन ए 2%। बस 2% कवर करता है वर्ल्ड लैंड एरिया का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन मजे की बात यह है कि 50% ऑफ प्लांट और एनिमल्स जो है वो रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अर्थ का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हम कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों कहते हैं इसे हम लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका 20% प्रोवाइड करता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। इसके अलावा ये 3 मिलियन स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स के 3 मिलियन स्पीसीज का घर है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरमेंट में, ये फ्रेश वाटर का सोर्स है, इसके अलावा बहुत सारे स्पीसीज यहाँ रहते हैं, साथ ही साथ ये बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स का भी घर है। और दुख की बात यह है कि हर साल एक देश जो है बांग्लादेश, उसके एरिया जितना फॉरेस्ट गायब होते जा रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का इतना एरिया हर साल डिसअपियर होते जा रहा है। The world's growing appetite for what food product is a leading cause of tropical deforestation? Tropical deforestation का main कारण क्या है, कौन सा food item? Pork, sugar, lamb, beef. सही आंसर ऑप्शन डी beef. जानवरों के मांस के लिए ज्यादातर deforestation किया जा रहा है। What is Kyoto Protocol? It is an agreement among countries to take steps for planting trees to control pollution. It is an agreement among countries to start using nuclear energy. It is an agreement among countries to take steps for reducing global warming.
It is an agreement among countries to take steps for reducing acid rain. सही आंसर ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ये अग्रीमेंट हुआ था देशों के बीच में. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अर्थ अर्थ पर आती है रेडिएशन सन की, और यहाँ का जो सरफेस है ये होता है गर्म. उसके बाद ये जो रेडिएशन है ये वापस जाना चाहती है, लेकिन जो एटमोसफेयर में कुछ कुछ गैसेज हैं वो इसे वापस जाने नहीं देती और एटमोसफेयर के अंदर ही रोक के रखती है, जिस वजह से ये जो सरफेस है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो ऐसे स्थिति को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. और ये ग्लोबल वार्मिंग होता है किसकी वजह से? ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है. ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसे हम, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है ये. तो जो गैसेस है वो कौन कौन सी गैसेस है? मेन गैसेस ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर. इनकी वजह से गर्म हो जाता है सरफेस, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ फ्रेश वाटर इज ग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, ग्लेशियर. सही आंसर ऑप्शन डी, ग्लेशियर. The most abundant element by number in living system is hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen. सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है. कितना है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन है 49.8%. ऑक्सीजन कितना है? 24.9. ऑक्सीजन और कार्बन लगभग सेम ही है, 24.9 दोनों इतने परसेंट है, और नाइट्रोजन है 0.27%. कहाँ की बात कर रहे हैं हम? लिविंग सिस्टम में बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की. How much of world surface is covered by water? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें. ऑप्शन है 70%, 80%, 25%, 55%. आपको बताना है कि वर्ल्ड सर्फेस का कितना परसेंट वाटर ने कवर कर रखा है. Which of the following scientists proved that the path of each planet around the sun is elliptical? Galileo, Newton, Copernicus, Kepler. सही आंसर ऑप्शन डी, Kepler. केपलर जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे. इन्होंने कहा था कि जो प्लेनेट है उसका पथ सन के अराउंड इलिप्टिकल होता है, ऐसा इलिप्टिकल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ट्रांस हिमालयस? सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना. सही आंसर है सिंधु. सिंधु को हम इंडस भी कहते हैं. इसके अलावा और कौन सी नदी है जो ओरिजिनेट करती है ट्रांस हिमालयस से? इसके अलावा सतलज और ब्रह्मपुत्र. ये दोनों भी ओरिजिनेट करती है ट्रांस हिमालयाज से. द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज ब्लैक लावा सॉइल, लोमी सॉइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल, एलुवियल सॉइल. सही आंसर ऑप्शन ए, ब्लैक लावा सॉइल. लोमी सॉइल ये किसके लिए सुटेबल है? लोमी सॉइल वीट, सुगर केन, जूट, पल्सेस और आयल सीड्स के लिए है सुटेबल. एलुवियल, एलुवियल है पैडी और सुगर केन के लिए. वेल ड्रेन्ड सॉइल मतलब वैसा सॉइल जहां ड्रेनेज बहुत ही सही हो और पानी जमा ना होता हो सरफेस पे और अच्छी तरह से ड्रेन कर जाता हो. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया इज केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात. सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु. लिग्नाइट कोल का जो सबसे बड़ा माइन है वो भारत में तमिलनाडु में है, और जिसका नाम है नेवेली, नेवेली फील्ड. सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ कंट्री, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स इन अ कंट्री, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 पीपल इन अ कंट्री, नंबर ऑफ पीपल पर 1000 चिल्ड्रन इन अ कंट्री. सही आंसर ऑप्शन ए, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ कंट्री. अगर हम सेंसस 2011 की डेटा को कंसिडर करें, सेंसस 2011 की, तो जो भारत का सेक्स रेशियो है वो है 940. स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे हाइएस्ट है केरल का, केरल का जो कि है 1084. अगर लोएस्ट बात करें तो वो है हरियाणा का जो कि है 879. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी फॉर ऑल हाउसेस? तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र. सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु. द 5 की इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑफ आवर प्लेनेट आर सी लेवल, rising temperatures, rainfall, nitrogen and arctic ice, sea ice. None of the options. Arctic sea ice, carbon dioxide, global temperature, sea level and land ice. Antarctic sea ice, oxygen, rainfall, drought and sea level. Sahi answer option C,
ये पांच इंडिकेटर हैं जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आर्कटिक सी आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल टेम्परेचर, सी लेवल और लैंड आइस। द एरिया रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड सेंचुरी, बोटानिकल गार्डन, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क। सही आंसर ऑप्शन डी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो रिजर्व एरिया होता है जहां की आउटर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, फार्मिंग, ये सब कंप्लीटली बैन होता है। द नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल डील्स विद केसेस रिलेटिंग टू क्रिमिनल ऑफेंसेस, इश्यूज रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, सिविल केसेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल डील करता है वैसे केसेस के से जो कि रिलेटेड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका की फॉर्मेशन किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है जस्टिस आदर्श गोयल। द बिगेस्ट आयल स्पिल इन वर्ल्ड हिस्ट्री टुक प्लेस इन पर्सियन गल्फ, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, साउथ चाइना सी। सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्सियन गल्फ। और ये जो स्पिल हुआ था वो था कुवैत स्पिल। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यूएसए, स्विट्जरलैंड, जापान, डेनमार्क। सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जापान ये 2019 के डेटा के हिसाब से है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो जापान की थी उस टाइम 85। अभी की बात करें तो मोनेको हाईएस्ट है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाईएस्ट है जो कि है 89 इयर्स। अभी दूसरे नंबर पे है जापान 86 इयर्स के साथ और तीसरे पे सिंगापुर। The redness in atmosphere at sunrise and sunset is due to dispersion of light, scattering of light, refraction of light, reflection of light. Answer is ka C, B, scattering of light. Scattering of light की वजह से sunrise और sunset के time हमें redness दिखाई देता है atmosphere में। अब बाकी सारे phenomena को भी अच्छे से discuss करते हैं। Dispersion of light ये क्या होता है? Dispersion of light होता है कि जब स्प्लिटिंग होती है व्हाइट लाइट की, यानी कि व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाता है मल्टीपल लाइट में किसी मीडियम से पास करने के बाद, तो इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है वो क्यों होती है? जिस सरफेस से ये पास करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है और साथ ही साथ जो अलग अलग कलर के लाइट है उनकी वेवलेंथ की वजह से होता है ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई एटम और मॉलिक्यूल एक्सपोज होता है किसी लाइट में और लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस री एमिट करता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसमें जो बेंड आता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब किसी सर्फेस पे लाइट आती है और उसके बाद यहां से बाउंस बैक कर जाती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। Which one of the following tribes practices pastoral nomadism? Boro, Masai, Pygmies, Eskimo. सही आंसर ऑप्शन सी, Pygmies. Pygmies जो tribe है ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, अफ्रीका और एशिया में। तो Pygmies जो word है ये Pygmy से बना है जिसका मतलब होता है height में कम। तो जो Pygmies है इसे हम tribes of dwarfs भी कहते हैं। बोरो की बात करते हैं, बोरो असम इंडिया में है, यहाँ के ट्राइब्स हैं ये। मसाई ये केनिया तंजानिया के ट्राइब्स हैं। इस्किमो ये पाए जाते हैं अलास्का आर्कटिक कोस्ट, कनाडा और डेनमार्क में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सेलेक्ट द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड क्रॉप्स डेवलप्ड अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, वीट,
राइस सुगरकेन पल्सेस एंड मेज, राइस व्हीट पल्सेस आयल सीड्स एंड सुगरकेन, मेज ब्लैक ग्राम ज्वार कॉफी एंड टी, राइस व्हीट ज्वार बाजरा एंड मेज। सही आंसर ऑप्शन डी। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था उसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज का बहुत ही बड़ा योगदान है। हाई यील्डिंग वेराइटीज को हम कहते हैं मिरेकल सीड्स, और इन सब सीड्स पे काम किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। जो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इसके फादर हम कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1965 में, और उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था वो मेनली तीन स्टेट्स में शुरू किया गया था, पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ सुगर पैडी टी कॉफी। सही आंसर है ऑप्शन सी टी। ये टाइम पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन जिस टाइम पूछा गया था उस टाइम आंसर टी था, लेकिन टाइम टू टाइम इस क्वेश्चन का आंसर वेरी कर सकता है। द बिजिएस्ट रेल सेक्शन इन रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इज मुंबई चेन्नई सेक्शन, दिल्ली कोलकाता सेक्शन, कोलकाता चेन्नई सेक्शन, दिल्ली मुंबई सेक्शन। सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली कोलकाता सेक्शन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू चाइना, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। इसमें से वो कौन सा देश है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी नेपाल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 17 कंट्रीज से पास करता है। द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया विच इज मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस फॉर इट्स डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस 1981 इज जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, चाइना। सही आंसर ऑप्शन डी चाइना। ये उस वक्त की बात है जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, और ये किया था चाइना ने 1980 में, तो उस वक्त वहां के पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला था। द रिसेंटली डिस्कवर्ड फील्ड विथ आयल पोटेंशियल इन कृष्णा गोदावरी बेसिन इज कॉल्ड रवा ऑफशोर ब्लॉक, गोलकुंडा ब्लॉक, बॉम्बे हाई, तेलंगाना ब्लॉक। सही आंसर है रवा ऑफशोर ब्लॉक। कंसिडर द फॉलोइंग सी पोर्ट्स, चेन्नई, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, तुतीकोरी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमें बताना है कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है और सीक्वेंस क्या होगा नॉर्थ टू साउथ का। ऑप्शन है 1324, 2143, 1243, 2134। तो सही आंसर है इसका डी 2134। मतलब सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है मछलीपट्टनम, इसके बाद है चेन्नई, फिर है नागापट्टनम और लास्ट में है तुतीकोरी। ये सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ का। इन जगहों के लोकेशन की बात करें तो मछलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, बाकी तीनों पोर्ट्स तमिलनाडु के। द अलमाती डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, सिलेरू। सही आंसर है कृष्णा। कृष्णा रिवर पर है ये अलमाती डैम। अलमाती डैम को हम लाल बहादुर शास्त्री डैम से भी जानते हैं। ये नॉर्थ कर्नाटक में है और इसे बनाया गया था जुलाई 2005 में। कब बनाया गया था? जुलाई 2005 में। और दूसरा नाम है इसका लाल बहादुर शास्त्री डैम। द प्रोजेक्ट सिमिलर टू TVA टिनीज वैली अथॉरिटी ऑफ USA इन इंडिया इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट, रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इडुकी प्रोजेक्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसे शुरू किया गया था July 7, 1948 में। ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑपरेट करती है थर्मल पावर और साथ ही साथ हाइडल पावर पे भी, और जो रिवर एरिया है वेस्ट बंगाल और झारखंड का उस पे काम करता है ये कॉरपोरेशन, जिसका नाम है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स, सॉइल्स, अर्थ, मिनरल। सही आंसर ऑप्शन ए रॉक्स। रॉक्स के स्टडी को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, और इसमें हम रॉक्स जो होते हैं उसके कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। बाकी सारे ऑप्शन के स्टडी को कंसिडर करें तो सॉइल्स के स्टडी को हम कहते हैं पोडोलॉजी। सॉइल्स के स्टडी को हम कहते हैं पोडोलॉजी।
अर्थ के स्टडी को हम कहते हैं जियोलॉजी और मिनरल्स के स्टडी को कहते हैं मिनरलॉजी। तो बेसिकली जो जियोलॉजी है इसमें हम डिस्कस करते हैं अर्थ के कंस्टिट्यूशन, कंस्ट्रक्शन और इस पे होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में। बाकी जो तीन अभी हमने ब्रांच देखा, पेट्रोलॉजी, पेडालॉजी और साथ ही साथ ये मिनरोलॉजी, ये तीनों के तीनों पार्ट हैं जियोलॉजी के। इसके अलावा जियोलॉजी के और भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैच द फॉलोइंग, रोजवुड, बुशेस, बर्च, सुंदरी ट्री। और दूसरी तरफ फॉरेस्ट है, किस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है ये? ट्रीज। तो रोजवुड ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है, मतलब डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बुशेस ये ड्राई फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और जो बर्च है ये अल्पाइन, और सुंदरी ट्री मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारा सही आंसर है वो हो गया ए का, पहला 4 होना चाहिए, ये ए सही है। 4, 3, 2, 1। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज द विंड्स डू नॉट रीच दिस एरिया, देर आर नो माउंटेन्स इन दिस एरिया, इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया, द टेम्परेचर इज टू हाई टू लेट द विंड्स कूल डाउन। सही आंसर है, इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया। अब रेन शेडो एरिया क्या होता है? रेन शेडो एरिया माउंटेन रेंज की तरफ का एक एरिया होता है जहां माउंटेन रेंज टोटली ब्लॉक कर देते हैं रेनी वेदर को, और साथ ही साथ वहां प्लांट ग्रोइंग भी नहीं होती है। तो यानी माउंटेन रेंज के दूसरे तरफ का एक एरिया जहां पे रेन को ब्लॉक करता हो माउंटेन, तो उस एरिया को हम कहते हैं रेन शेडो एरिया। तमिलनाडु इस टाइम ड्राई होता है क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में पड़ता है अरेबियन सी करंट के, और साथ ही साथ ये पैरेलल है बे ऑफ बंगाल करंट के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज? इंटरनेशनल डेट लाइन, मैकमहोन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, दुरंद लाइन। सही आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके अलावा बाकी जो लाइंस है वो दो कंट्रीज के बीच का डिमार्केशन लाइन है, जैसे कि सबसे पहले मैकमहोन लाइन। तो जो मैकमहोन लाइन है ये तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच का डिमार्केशन है। किसके किसके बीच का है? तिब्बत और इंडिया के बीच का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच का। रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डिमार्केशन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। और जो दुरंद लाइन है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का डिमार्केशन लाइन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। विच स्टेट इन इंडिया ऑक्यूपाइज द सेम रैंकिंग पोजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, गुजरात। वो कौन सा स्टेट है जिसकी रैंकिंग सेम है एरिया और पॉपुलेशन दोनों के मामले में? तो सही आंसर है बी, मेघालय। मेघालय की रैंकिंग 22 है दोनों ही केसेस में, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से। लेक फॉर्म्ड इन अ कट ऑफ रिवर मियांडर इज कॉल्ड प्लाया लेक, मिटियोरिक लेक, ऑक्सबो लेक, क्रेटर लेक। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक कैसे बनता है? तो रिवर में जो बहुत सारे कर्व्स होते हैं उस कर्व्स को इंक्लूड करते हुए जब एक वाइड मियांडर कट ऑफ हो जाता है तो बनता है ऑक्सबो लेक। ये यू शेप्ड का होता है। इसके बाद बाकी सारे लेक के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। प्लाया लेक, प्लाया लेक जो होता है वो ड्राई लेक होता है जो कि पाया जाता है डेजर्ट बेसिन के बॉटम में, इसे हम ड्राई लेक भी कहते हैं। कौन सा लेक कहते हैं? ड्राई लेक कहते हैं। और जो वाटर होता है वो इसमें परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोरेरिली देखा जाता है कि कभी कभी इसमें वाटर है। मिटियोरिक लेक की बात करें तो मिटियोरिक लेक तब बनता है जब कोई मिटियोर अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करता है और उसकी वजह से अर्थ सरफेस पे एक गड्ढा बन जाता है। तो इस लेक का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो सबसे बेस्ट अपने कंट्री में देखने को मिलता है लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे इसके एग्जाम्पल की, तो वो लोनार लेक है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। ऑक्सबो लेक ये तो भी हमने देखा कि ये मियांडर के कट ऑफ से बनता है, रिवर के मियांडर के कट ऑफ से, और ये यू शेप्ड का होता है मोस्टली। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो टेक्सास में देखने को मिलता है रेसाका लेक। जो रेसाका है टेक्सास का वो ऑक्सबो का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बिलाबोंग्स, बिलाबोंग्स लेक जो है ये यू शेप्ड है और ऑक्सबो लेक है। अपने भारत की बात करें तो यहाँ विंथाला लेक ऑक्सबो का एक एग्जाम्पल है।
क्रेटर लेक ये कब बनता है, ये वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसकी वजह से, जो सरफेस पे गड्ढा हो जाता है उसकी वजह से बनता है क्रेटर लेक, इसे जो वोल्केनिक क्रेटर की वजह से बनता है। विच इज द लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। क्यों? क्योंकि गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कोस्ट लाइन रखने वाला जो स्टेट है वो गुजरात है, और साथ ही साथ यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत ही डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। कंटोर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एलिवेशन, टेम्परेचर। सही आंसर ऑप्शन सी, एलिवेशन। तो जो कंटोर लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो जोड़ती है ऐसे जगहों को जहां का एलिवेशन, डेप्थ या हाइट सेम हो। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनएक्ट द फूड सिक्योरिटी एक्ट? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार। सही आंसर ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। इसने इंप्लीमेंट किया था, इनेक्ट किया था फूड सिक्योरिटी एक्ट सबसे पहले, और कब किया था? दिसंबर 2012 में किया था। नेम द कंडीशन विच इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स। क्लाइमेट कंडीशंस, सॉइल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, सोशल कंडीशंस। वो कौन सा कंडीशन है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है प्लांट्स ग्रोथ को? सही आंसर है क्लाइमेट कंडीशंस। Agriculture should serve as an instrument of income, livelihood and opportunity to the local community. This statement is given by Dr. Madhavan Nair, Dr. Manmohan Singh, Dr. Abdul Kalam, Dr. M.S. Swaminathan. Sahi answer hai option D. Dr. M.S. Swaminathan ne diya tha ye statement ki agriculture ko ek instrument ki tarah kaam karna chahiye, income ke instrument ki tarah kaam karna chahiye local community ke liye. तो एम एस स्वामीनाथन, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था। इन्हें जो प्राइज मिले हैं वो है वर्ल्ड फूड प्राइज, ये मिला था इन्हें 1987 में। इसके बाद इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। तो जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। ये रमन मैग्सेसे अवार्ड शुरू किया गया था 1958 में शुरू किया गया था, और जो फिलीपींस की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है ये अवार्ड। इसके अलावा जो ये अवार्ड है ये एशियन इंडिविजुअल्स को मिलता है डिफरेंट फील्ड्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहते हैं। द फॉरेस्ट विच एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट साइक्लोन्स आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट। सही आंसर है बी, मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये इनकी जड़ें जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली ये होल्ड करती है नीचे वाटर में, और जब साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो ये हवा को, हवा के लिए बैरियर की तरह काम करते हैं। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। वैसे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ है तो वो होता है बायोटिक रिसोर्सेज। इसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज। In a solar or lunar eclipse, the region of Earth's shadow is divided into 4 parts, 5 parts, 2 parts, 3 parts. तो इसका आंसर होगा 2 parts और 3 parts. जो solar eclipse होता है उसमें जो shadow होता है वो 3 parts में divide होता है। ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, जो solar eclipse होता है इसमें shadow 3 भागों में बटा होता है। यहाँ इस जगह पे कहीं अर्थ होती है, और जहां जो डार्केस्ट शेडो रीजन है, जहां डार्केस्ट शेडो रीजन है ये वाला, इसे कहते हैं उम्ब्रा। जहां उम्ब्रा होता है वहां कंप्लीट इक्लिप्स देखने को मिलता है, होल इक्लिप्स देखने को मिलता है। उसके बाद इसके तरफ जो लाइटर एरिया है शेडो का, उसे कहते हैं पेनुम्ब्रा, और पेनुम्ब्रा में पार्शियल इक्लिप्स देखने को मिलता है। इसके अलावा शेडो का ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, जहां ये रीजन है शेडो का, यहां इसे कहते हैं हम एंटुम्ब्रा, और यहां जो बनता है इक्लिप्स वो होता है एनुलर इक्लिप्स। मतलब इसमें सन के चारों तरफ एक रिंग दिखाई देता है, एक ब्राइट रिंग दिखाई देता है। लूनर इक्लिप्स में जो पार्ट होता है शेडो का वो 2 होता है, एक डार्केस्ट वाला जिसे कहते हैं उम्ब्रा, और एक लाइटर, इससे जो डार्केस्ट से लाइटर होता है थोड़ा सा, इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा। तो इसका आंसर सी और डी दोनों होगा, 2 parts किस केस में, लूनर में, और 3 parts सोलर में। व्हाट डज द वर्ड एम्फिबियन मीन? 2 lives, 4 lives, 3 lives, 1 life। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 lives। तो एम्फिबियन लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और साथ ही साथ वाटर में भी। जो एम्फिबियंस होते हैं वो स्मॉल वर्टिब्रेट्स होते हैं, वाटर और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ये आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। इसका एग्जांपल है फ्रॉग्स, टोड्स और सेलामेंडर। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये सेलामेंडर का है।
The total number of planets revolving around the sun are 7, 8, 5, 6. Total number of planets कितने हैं? इसका आंसर है बी 8. इसके अलावा एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए कि रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? रेड प्लैनेट किस प्लैनेट को कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री? इंडोनेशिया, रशिया, श्रीलंका, चिली. सही आंसर है ऑप्शन डी, चिली. चिली कहाँ? साउथ अमेरिका का कंट्री है. द लार्जेस्ट फॉरेस्ट विच कवर्स 25% ऑफ द वर्ल्ड्स 25% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट लैंड इज? मॉनसून फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ यूरोप, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टाइगर फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया. सही आंसर ऑप्शन डी, टाइगर फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया. जो टाइगर फॉरेस्ट है ये कोल्ड और सब आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं. और कौन कौन से कंट्रीज में पाए जाते हैं ये? अलास्का, साइबेरिया, कैनेडा और स्कैंडिनेविया. द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन कॉल्ड रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ, रॉक्स, मिनरल ऑन अर्थ, फॉसिल्स एंड प्लांट बॉडीज. सही आंसर ऑप्शन डी, फॉसिल और प्लांट बॉडीज के लिए जो डेटिंग यूज होती है वो कार्बन डेटिंग, यानी कि इनके लिए यूज होता है कार्बन डेटिंग. और इसके अलावा बाकी जो ऊपर के तीन ऑप्शन हैं, तीनों के लिए, अर्थ, रॉक और मिनरल ऑन अर्थ, इनके लिए यूज होता है यूरेनियम डेटिंग. एल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स अकर एट एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 to 12,000 meter, 6,000 to 10,000 meter, 1,000 to 1,800 meter, 2,000 to 6,000 meter. सही आंसर ऑप्शन डी, 2,000 to 6,000 meter पे पाए जाते हैं. जो क्लाउड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से किया गया है. तीन तरह के होते हैं क्लाउड्स. एक होते हैं हाई लेवल क्लाउड्स, दूसरे मिड लेवल क्लाउड्स और तीसरा लो लेवल क्लाउड. इनकी हाइट की बात करें तो जो हाई लेवल होते हैं वो 5 to 13 किलोमीटर के हाइट पे पाए जाते हैं. मिड लेवल जो होते हैं ये 2 to 7 और लो लेवल वाले 0 to 2 किलोमीटर की हाइट तक पाए जाते हैं. हाई लेवल क्लाउड्स का अगर एग्जांपल हम देखें तो सिरो कोलंबस और साइरस इसका एग्जांपल है. मिड लेवल की बात करें तो एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्ट्रेटस इसका एग्जाम्पल है. लो लेवल की बात करें तो स्ट्रेटस, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है वो लो लेवल का है. तो अभी जिसकी बात हम कर रहे थे एल्टो क्यूमुलस, वो मिड लेवल का है क्लाउड है. द माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैव कल्चरल कमांड एरिया अप टू 3,000 हेक्टेयर्स, 2,500 हेक्टेयर्स, 1,500 हेक्टेयर्स, 2,000 हेक्टेयर्स. माइनर इरिगेशन स्कीम, सारे इरिगेशन के बारे में डिटेल से देखते हैं. जो मेजर इरिगेशन स्कीम होता है उसमें हम कंसीडर करते हैं 10,000 के अबव 10,000 हेक्टेयर्स. जो मीडियम होता है, मीडियम इरिगेशन स्कीम, इसमें हम कंसीडर करते हैं 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर. और जो माइनर होता है इसमें 2,000 हेक्टेयर तक. क्वेश्चन में माइनर इरिगेशन स्कीम की बात की जा रही है तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2,000 हेक्टेयर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज अंडर डायरेक्ट थ्रेट ऑफ राइजिंग सी लेवल्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हैज अपील्ड फॉर हेल्प फ्रॉम यूरोपियन लीडर्स? पलाऊ, टुवालु आइलैंड, मार्शल आइलैंड, नौरू. सही आंसर है बी, टुवालु आइलैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड? टेम्परेट ग्रासलैंड, ब्रिटिश टाइप वेजिटेशन, लॉरेंशियन टाइप वेजिटेशन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. सही आंसर ऑप्शन ए, टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड इसे हम ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है यहाँ की और जो वीट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही सुटेबल होता है. अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड के कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूरेशियन स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज और अर्जेंटाइन पैम्पस. स्पॉट द ऑड आइटम इन द फॉलोइंग: प्रेरीज, पैम्पस, सेल्वास, सुंदरबन. ऑड वन को स्पॉट करना है तो डी, सुंदरबन, क्योंकि बाकी जो तीन है वो ग्रासलैंड के एग्जाम्पल है और सुंदरबन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, जो कि अमेजोन बेसिन में पाया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लोज इन रिफ्ट वैली? कावेरी, ताप्ती, सोन, केन.
सही आंसर है बी, ताप्ती। और चार नदियां हैं भारत में जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, कौन कौन सी है वो? नर्मदा, दामोदर, ताप्ती और माही। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान, चाइना, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है द ग्रेट बैरियर रीफ, और जो इसकी लंबाई है वो है 1429 माइल्स तक है। ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है, कहाँ पाया जाता है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, और इसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। द स्ट्रॉन्ग कोल्ड ले विंड ब्लोइंग इन द पोलर रीजन इज नोन एज चिनूक, बोरा, ब्लिजार्ड, हरमैटन। सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लिजार्ड। बाकी सारे ऑप्शंस को भी देखते हैं, पहले ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड क्या होता है? ये जो स्टॉर्म होता है इसमें स्नो भी होता है साथ साथ, यानी कि स्टॉर्म विथ स्नो, स्टॉर्म विथ स्नो। चिनूक, चिनूक ये मॉइस्ट वार्म विंड होता है जो सी से कोस्टल रीजन की तरफ फ्लो करता है और पाया जाता है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में। ये कैसा होता है? ये होता है मॉइस्ट वार्म। बोरा, बोरा कोल्ड विंड्स है, बोरा कोल्ड विंड है जो कि अपर एड्रियाटिक सी में पाया जाता है। हरमैटन ये ड्राई विंड है जो वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे पाया जाता है, ड्राई विंड। कहाँ ब्लो करता है ये? वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे। द लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड आइसोजोनिक लाइन्स, आइसोडायनामिक लाइन्स, एक्लिनिक लाइन्स, आइसोक्लिनिक लाइन्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसोडायनामिक लाइन्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताना है कि इन चारों स्टेट्स में से सबसे छोटा स्टेट एरिया के हिसाब से कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगर पूरे कंट्री को कंसिडर करें तो उसमें सबसे छोटा स्टेट एरिया के हिसाब से गोवा है। हाईएस्ट कॉफी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया इज कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटका। जो कॉफी है वो साउथ इंडियन स्टेट्स के हिल्स पे पाया जाता है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें कर्नाटका का है, 71%। उसके बाद केरल, केरल का 21%, और तमिलनाडु 5% कंट्रीब्यूट करती है कॉफी प्रोडक्शन में। द रूटलेस प्लांट इज लेमना, बनाना, जिंजर, लेमन। सही आंसर ऑप्शन ए, लेमना। लेमना को हम डक वीड भी कहते हैं, लेमना को हम डक वीड भी कहते हैं, और ये फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है जो जिसमें कि रूट नहीं होता है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इज शिवरॉय हिल्स, महेंद्रगिरी, जिंदगढ़ हिल्स, अन्नामुड़ी। सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंदगढ़ हिल्स। तो एलिवेशन कितनी है इसकी? एलिवेशन है 1690 किलोमीटर। इसके अलावा ये दोनों हिल्स भी ईस्टर्न घाट के ही है, और जो अन्नामुड़ी है ये वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है और इसका एलिवेशन है 2695 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इंडिया। सही आंसर है बांग्लादेश। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब आंसर बांग्लादेश था, लेकिन अगर हम करंट कंट्री अगर पूछे कोई करंट की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का। द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व ऑफ वर्ल्ड लाइज इन ईरान, इराक, वेनेजुएला, सऊदी अरबिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेनेजुएला। कितना रिजर्व है इसके पास? इसके पास है 300 बिलियन बैरल्स, 300 बिलियन बैरल्स। वेनेजुएला के पास जो लार्जेस्ट, वेनेजुएला के बाद जो कंट्री है वो है सऊदी अरबिया, और इसके पास है 269 बैरल्स, 269 बिलियन बैरल्स वेनेजुएला। इसके बाद है सऊदी अरबिया, इसके बाद है कनाडा, इसके बाद ईरान और फिर इराक।
सबका रिजर्व भी देखते हैं, वेनेजुएला का है 300 बिलियन बैरल, सऊदी अरेबिया का 269 बिलियन बैरल, कनाडा का 171 बिलियन बैरल, ईरान का 158 और इराक का 143 बिलियन बैरल। कुंडन कुलम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही आंसर है तमिलनाडु। और कुंडन कुलम प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत जो कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर? ग्रेन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, गोल्डन रिवॉल्यूशन। सही आंसर ऑप्शन डी, गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? ये हनी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुआ था। और इसके फादर, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है निरपाक ततेज को। ऊपर के ऑप्शंस में देखते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन हाई यील्डिंग वैरायटीज वीट के, इसके इसके प्रोडक्शन के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं एमएस स्वामीनाथन को। व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड, ये दोनों मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुआ था और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं वर्गीज कुरियन को, जो अमूल के फाउंडर भी थे, वर्गीज कुरियन। द आइलैंड ऑफ होंशु इन जापान इज फेमस फॉर आयल, डायमंड्स, कोल, आयरन ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयल। तो जापान के 5 आइलैंड फेमस है, मेन आइलैंड है, कौन कौन से है वो? होकाइडो, होंशु, क्यूशु, शिकोकु और ओकिनावा। और जो सबसे बड़ा है आइलैंड वो है होंशु, जिसमें कि जापान का कैपिटल टोक्यो भी आता है। 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एक्ट्स एज डिमार्केशन लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, यूएसए एंड कनाडा, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, इजिप्ट एंड सुडान। सही आंसर है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। लेक्स विच कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ह्यूमिक एसिड इन वाटर इज डेजर्ट सॉल्ट लेक, वॉल्केनिक लेक, डिस्ट्रॉफिक लेक, डीप एंशियंट लेक। सही आंसर है डिस्ट्रॉफिक लेक। डिस्ट्रोफिक लेक में जो वाटर होता है उसमें हाई अमाउंट होता है ह्यूमिक एसिड का, जिसकी वजह से इसका पानी जो है वो भूरे कलर का होता है। और क्योंकि ये एसिडिक होता है, इसका वाटर एसिडिक होता है, तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 4 से 6 के बीच होता है। द फर्स्ट पर्सन एवर टू रीच साउथ पोल वाज मैगेलन, मैरिगो वेस्पुकी, एमंडसन, पियरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, एमंडसन। पूरा नाम था इनका रोहाल्ड एमंडसन। और कब गए थे ये साउथ पोल पे पहली बार? ये गए थे दिसंबर 14, 1911 को। इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशन वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट हैपेंस ड्यू टू लार्जर अपटेक ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बाय ओशन वाटर, लेसर अपटेक ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बाय ओशन वाटर, लार्जर अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशन वाटर, लेसर अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशन वाटर। ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है तो कौन सा गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग में हेल्पफुल है वो है CO2। लार्जर अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशन वाटर, ये सही आंसर है। होता ये है कि जो वाटर होता है ओशन का वो एब्जर्व कर लेता है CO2 बहुत ही बड़ी मात्रा में और इस वजह से जो वाटर है वो एसिडिक हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन, जिसकी वजह से क्या होता है पीएच वैल्यू घट जाता है। पीएच वैल्यू घटने का मतलब कि एसिडिक हो रहा है वाटर नेचर में। द लार्जेस्ट टी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया, ब्राजील, श्रीलंका, चाइना। सही आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। और अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है टी, उसके बाद इंडिया, केन्या, श्रीलंका और फिर टर्की। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट in the rainy season due to the effect of easterlies, the effect of northern east trade winds, the presence of low atmospheric pressure over northwest India, the development of cyclone over the equator. So answer option C, the presence of low atmospheric pressure over northwest India. The graded profile of a river course is a smooth curve in the upper course, a smooth curve in the middle course, a smooth curve in the lower course or a smooth curve from source to mouth. ये की profile, ये picture में हम देख पा रहे हैं कि जो ग्रेडर प्रोफाइल होता है उसमें स्मूथ कर्व होता है सोर्स से माउथ की तरफ, तो ऑप्शन डी सही है। सिंक होल इज अ फेनोमेना ऑफ डैश टोपोग्राफी, डेजर्ट, टुंड्रा,
कास्ट प्लेन, सही आंसर ऑप्शन सी कास्ट। कास्ट क्या होता है, ये जो लैंडस्केप है ये बनता है डिसोल्यूशन से, सोल्यूबल रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोनाइट और जिप्सम के डिसोल्यूशन से। केरला इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट, ब्लैक पेपर, रबर, राइस। ये ऑप्शन चार दिए गए हैं, हमें चुनना है कि कौन कौन से ऑप्शन के लिए फेमस है केरल। 1, 2, 4 के लिए, 2, 3, 4 के लिए, 1, 4 के लिए, 1, 2, 3 के लिए। सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी कोकोनट, ब्लैक पेपर, रबर, इसके लिए फेमस है केरल। और इसके अलावा टी, कॉफी, कैश्यू और स्पाइसेस के लिए भी फेमस है, उसके कल्टीवेशन के लिए भी फेमस है केरला। केरला को हम गॉड्स ओन कंट्री, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया और लैंड ऑफ कोकोनट भी कहते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कैनेडियन नेशनल रेलवे, ट्रांस एटलांटिक रेलवे। सही आंसर ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और ये मॉस्को से लेके व्लादिवोस्तोक तक फैला है और जो लेंथ है इसकी वो है 9,289 किलोमीटर। विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज द ड्वार्फ प्लैनेट, अर्थ, जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न। सही आंसर ऑप्शन सी प्लूटो। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर करिए, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक, कैल्सेरियस रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। सही आंसर ऑप्शन डी सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक कैसे बनते हैं, तो जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उसके डिपोजिशन से या मिनरल के सीमेंटेशन से बनते हैं ये सेडिमेंटरी रॉक। और कहाँ बनते हैं, सी फ्लोर, जो सी ओशन का फ्लोर होता है वहां बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, इटेसी। Which Indian state is the largest in term of total area covered? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करिए कि कौन सा स्टेट लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। Which Indian state has the longest coastline? केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात। और जो कोस्टलाइन है उसकी लेंथ क्या है, 1600 किलोमीटर। What is the name of tropical cyclone in China Sea? Hurricanes, tornado, twister, typhoon. Sahi answer option D, typhoon. Which among the following country is not a part of Scandinavia? Norway, Finland, Sweden, Denmark. To jo Scandinavia hai, ye bana hai Kingdom of Denmark, Norway aur Sweden. Denmark, Norway aur स्वीडन के किंगडम से, तो बच गया कौन सा, फिनलैंड। तो सही आंसर होगा फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड जो है वो नहीं है स्कैंडिनेविया में। बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज, यूएसए एंड कैनेडा, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, जर्मनी एंड फ्रांस, ब्राजील एंड चिले। सही आंसर ऑप्शन ए यूएसए एंड कैनेडा। हाउ डज लानिना अफेक्ट द पैसिफिक ओशन, decreases salinity of ocean, cools down the temperature of water, maintains a stable temperature of water, increases salinity of ocean. सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी cools down the temperature of water। होता क्या है, नॉर्मली जो सिचुएशन होती है वो ये होता है कि यहाँ पैसिफिक ओशन का ये एरिया गर्म रहता है क्योंकि सन जो है सीधा सामने होता है और ओशन का ये एरिया गर्म होता है, यहाँ का पानी गर्म होता है। फिर जो विंड्स होती हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, उनकी वजह से ये हॉट वाटर शिफ्ट कर जाता है इस तरफ, वेस्ट की तरफ, यानी ये शिफ्ट कर जाता है साउथ अमेरिका से इंडोनेशिया की तरफ। और जैसे ही ये हॉट वाटर शिफ्ट करता है साउथ अमेरिका से इंडोनेशिया की तरफ, यहाँ जो नीचे कोल्ड वाटर है ये कोल्ड वाटर शिफ्ट कर जाता है फिर वापस साउथ अमेरिका की तरफ। तो यहाँ जो ठंडा हुआ ये पानी, यहाँ ठंडा होने का ये जो फेनोमेना है इसे ही हम कहते हैं लानिना। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर ऑन 20th जून, 21st जून, 20th जुलाई, 21st अगस्त। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो ये होता है 21st जून को, समर सोलस्टिस कहते हैं इसे। होता ये है कि जो पोल होता है वो पूरी तरह से टिल्ट कर जाता है, मैक्सिमम टिल्ट कर जाता है सन की तरफ, और इस दिन जो दिन होता है वो पूरा बहुत ही सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, ये होता है 21st जून को, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये फेनोमेना होता है 21st दिसंबर को। मैच द फॉलोइंग, माउंट एटना, माउंट केटू, माउंट किलिमंजारो। दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें मैच सही किया गया है। तो
माउंट एटना जो है ये यूरोप में है, माउंट एटना यूरोप में है, माउंट केटू एशिया में है, और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। इसके हिसाब से सही होगा वन का सी ऑप्शन सी, बस इसी में है, बाकी भी देख लेते हैं। वन का सी, टू का ए और थ्री का बी, ऑप्शन सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया? रॉकी माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज, यूरल माउंटेन रेंज, एप्लेशियन माउंटेन रेंज। सही आंसर ऑप्शन सी, यूरल। ये सेपरेट करते हैं यूरोप को एशिया से। स्वेज कैनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज? मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी एंड आर्कटिक ओशन। सही आंसर ऑप्शन बी, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ये है स्वेज कनाल और ये जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डजंट शेयर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। द हाइएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया इज? छोटा नागपुर, मालवा, लद्दाख, डेक्कन। सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। थ्रू विच स्टेट डज द रिवर चंबल फ्लो? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जो सेमी एरिड जोन है उससे फ्लो करती है चंबल नदी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री? रशिया, ऑस्ट्रिया, इंडिया, चाइना। सही आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल है वियना। एन एरिया रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड? सेंचुरी, नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट। सही आंसर ऑप्शन ए, सेंचुरी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज इन इंडिया? सतपुरा, नीलगिरी, हिमालय, अरावली। सही आंसर ऑप्शन डी, अरावली रेंजेस जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज है और जो लेंथ है इसकी, इस रेंज की, वो है 692 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक ये रेंज फैला है? ये फैला है दिल्ली से शुरू होके, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और इस सीरीज में, अरावली रेंजेस में जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, उसका नाम है गुरु शिखर, और जिसकी एलिवेशन है 1722 मीटर की। इंद्रावती, प्रणहिता एंड सबरी आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स? गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। सही आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी। ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं और गोदावरी लेंथ वाइज चौथे नंबर पे है रिवर्स में इंडिया में। आपको बताना है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? कौन सी है? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर सैंडलवुड ट्रीज? एवरग्रीन, टुंड्रा, डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। सही आंसर ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड ऑफ बायो रिजर्व? मानस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी। सही आंसर ऑप्शन ए, मानस। मानस कहाँ है? असम में है। असम में इसके अलावा पांच, मतलब इसे लेके पांच नेशनल पार्क्स हैं। ये एक नेशनल पार्क भी है मानस, काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू शैखोवा, नामेरी। ये पांच कौन कौन से पांच? काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू शैखोवा, और नामेरी। पांच नेशनल पार्क है, कहाँ? असम की बात कर रहे हैं। मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया है। किसने दिया है? मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, यूनेस्को।
यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर है पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसके जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑड्रे अजोले, अभी जो है उनका नाम है ऑड्रे अजोले। ये फॉर्म किया गया था 4 नवंबर 1945 को। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। है आंसर ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल फोर्स। डिप्रेशन फॉर्म ड्यू टू डिफ्लेटिंग एक्शन ऑफ वीन्स आर कॉल्ड प्लायाज, यार्डंग, वेंटिफैक्स, सैंड ड्यून्स। सही आंसर ऑप्शन बी, यार्डंग। ये था हमारा आखिरी सवाल, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।